नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट आ रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है जंग की तैयारी, भारत सीमा के पास एयरफील्ड बना रहा है और चीन का तोप को भी कर लिया है तैनात। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रही है, उसके दो हरकतें हम बात करें। इसके दो हरकतें ऐसे हैं जो कि फिलहाल चीन में हो रही है। पहली तो बता दें कि उसने भारत सीमा के पास एयरफील्ड बना रहा है। दूसरा ये कि उसने भारत सीमा पर चीन का हबीता स्तोप तैनात किया है। आइए जानते हैं कि आखिरकार उसके प्लानिंग क्या है और आने वाला दिन में क्या फिर युद्ध का घोषणा पाकिस्तान करेगा, क्या किस चीज़ का वो इंतजार कर रहा है या वो चाइना की बातों पर आकर बहक गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट आ रहा है, पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के करीब 20 किलोमीटर दूर ने नया एयरफील्ड बना दिया है। इसके अलावा वह चीन की आयातित SH-15SP हबीत्याज तो भी तैनात किया है। एयरफील्ड यदि हम बात करेंगे लाहौर के पास से, फिलहाल ये पता नहीं चल रहा है कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल किस तरह से होगा, नागरिक को उड़ान के लिए या फिर मिलिट्री के लिए करेगा, ये कुछ अपडेट आया नहीं है। पाकिस्तान की इन दो हरकतों से चिंता का माहौल हो चुका है। मैं बात करूं, इसने भारतीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तानी अधिकारी के तहत जो आ रहा है कि यह मिलिट्री के तरफ से अपडेट आ रहा है कि अधिकारियों और मिलिट्री का लेंग इस लेकर कोई अधिकारी बना नहीं दे रहे। कुछ लोग का कहना यह है कि यहां पर बल्टन की ट्रेनिंग शुरू हो सकता है और जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की मिलिट्री करेगी, या ये भी हो सकता है, माना जा रहा है कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर, ड्रोन और उन विमानों के लिए किया जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस एयरफील्ड का इस्तेमाल चीन और तुर्की से मंगाया गया था और हमलावर ड्रोन के लिए किया जाएगा, क्योंकि यह एयरफील्ड भारतीय सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूरी है और यह UAV लॉन्च करने का आसार हो सकता है। चीन से मंगाई गई तोप की तैनात की गई है। यदि हम सीमा की बात करेंगे तो पाकिस्तान सेनाओं 28वीं और 32वीं आर्टिलरी रेजिमेंट में चीन से मंगाई गई तोप की भरपार किया है, यानी कि भर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड SP खरीद दिया है और चीन की इसे सस्ते दाम पे दे दिया है। यदि मैं बात करूँ, ये दोनों रेजिमेंट पाकिस्तान की दूसरी आर्टिलरी डिवीजन में है, जो कि अपडेट आ रहा है भारत की पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के पास अपडेट हुआ है। SH-15SP चीन द्वारा बनाई गई एक सेटल्थ ऑफ एंटी हबीता स्तोप है, जो कि 2019 में पाकिस्तान ने 236 ऐसा स्तोप लॉन्च किया था। फिलहाल पाकिस्तान को 42 तोप मिला है, जिनमें पाकिस्तान ने अपने आर्म के दौरान, यदि मैं बात करूँ आर्मी में पैरेड के तहत अपडेट किया है, उसमें प्रदर्शन भी किया था। पाकिस्तान सेना ने 3 आर्टिलरी रेजिमेंट का ऑपरेशन किया है और ऑपरेट करने के बाद 18 तोप को अपडेट किया है। क्या है चीन की इस तोप की खासियत? यह 25 टन की तोप है, जिसकी लंबाई 21.4 फीट है और चौड़ाई 8.9 फीट है, ऊंचाई 11.10 फीट है। इसे चलाने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह 155x52 कैलिवर की तोप होता है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक वर्टिकल रेंच ट्राइपॉड ब्रिज तकनीक लगा है। यह 20 से 70 डिग्री के एंगल पर गोला दाग सकता है। यह 360 डिग्री घूमकर गोला दागने में सक्षम है। यह तोप हर मिनट 4 से 6 गोली दाग सकता है। अगर पारंपरिक गोली के साथ इस तोप का चलाना हो तो इसका रेंज 20 किलोमीटर है। अगर इसमें रॉकेट और एंटीसिप प्रोजेक्ट को लगाया जाए तो इसका गोला 53 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 155mm का PLL-01 गोला लगाता है। यह तोप 6x6 की ट्रक पर तैनात किया जाएगा। यह ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से ऊपर बढ़ सकता है।